हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। सो आज के सेशन में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज राम मंदिर, है ना। राम मंदिर आप सबको पता है, कल इसका इनॉग्रेशन भी हो गया, हम सभी लोगों ने उस आइकॉनिक मोमेंट को विटनेस भी किया था। ये जो नई मंदिर बनी है, इसके बारे में सारा डिटेल आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, क्लास में भी हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है ना। तो जो मंदिर है उसके बारे में तो हमें सारी चीजें पता है, बट ये जो संघर्ष के 500 साल है ना, इसकी पूरी जो स्टोरी है उसको आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर ये राम मंदिर बनने की पूरी कहानी है क्या, ये विवाद कहाँ से शुरू हुआ और क्या क्या चीजें हैं, सब कुछ बहुत ही डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि आपको सारी चीजें इससे रिलेटेड पता हो। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे और भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सके और उनको भी राम मंदिर बनने की, जो संघर्ष के 500 साल है उसकी पूरी कहानी उनको भी पता चल सके कि एक्चुअल में ये जो विवाद है ये स्टार्ट कहाँ से हुआ और कौन कौन से संघर्ष हमें देखने को मिले हैं, ठीक है। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले डेफिनेटली हम लोग एक बार रामलला जी के दर्शन करते हैं। वीडियो कल आप लोगों ने इसको देखा ही होगा, बट क्योंकि अब हम लोग इन्हीं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, राम भगवान राम की जो मंदिर है ये बनने में जो 500 साल लगे हैं, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था और क्या क्या मेजर इवेंट हुए हैं इस मंदिर को बनाने में, वो सारी चीजें हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार कॉमेंट बॉक्स में जय श्री राम तो लिखना बनता है ना, तो सब लोग एक बार जल्दी से कॉमेंट में लिखे जय श्री राम। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम राम मंदिर की बात करें तो आपको पता है ये एक हिंदू टेम्पल है, हिंदू मंदिर है, जो कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में है ना, यूपी के अयोध्या में ये राम मंदिर है। और ऐसा माना जाता है कि इस स्थान पर है ना भगवान राम जी का जन्म हुआ था। सो इट इज अ साइट बिलीव टू बी द बर्थ प्लेस ऑफ द लॉर्ड राम। तो यहाँ पर भगवान राम जी का जन्म हुआ था ऐसा माना जाता है, ठीक है। द कंस्ट्रक्शन बिगेन आफ्टर अ, अब ये जो राम मंदिर है इसके बनने का निर्माण कब से स्टार्ट हुआ, 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना फैसला सुनाया था, जिसमें उन्होंने हिंदुओं के मंदिर के लिए विवादित भूमि दी और मस्जिद के लिए कहीं और जमीन उन्होंने आवंटित कर दिया था। एक्चुअली ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम, ये राम मंदिर और जो मस्जिद था वहां पर, है ना, अभी बहुत ही डिटेल में हम समझेंगे कि ये विवाद था क्या, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में अपना एक फैसला सुनाया और उसके बाद से ही इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ। तो मंदिर का जो भूमि पूजन समारोह है वो 2020 में पीएम मोदी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, जहां पर उन्होंने सारे जो भी रिचुअल्स थे, जो भी मतलब भूमि पूजन वगैरह करके इन्होंने क्या किया था, इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था। एंड ये जो मंदिर है इसकी देखरेख श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट करता है। तो ये सारी चीजें तो हमें पता है ऑलरेडी। अब हम बात करेंगे कंट्रोवर्सीज की, है ना। ये जो राम मंदिर अयोध्या कंट्रोवर्सी है ये है क्या, मंदिरों को चारों ओर विवाद है, जिसमें दान के दुरुपयोग हो गए, कार्यकर्ताओं को दरकिनार करने, भाजपा द्वारा राजनीतिकरण के आरोप शामिल है। और ये जो ऐतिहासिक विवाद है ये 16th सेंचुरी है ना, 16th सेंचुरी से ये आपका 16th सेंचुरी में जो बाबरी मस्जिद के निर्माण से जुड़े हुए हैं, जिसको 1992 में ध्वस्त कर दिया गया था। बट एक्चुअली ये जो बाबरी मस्जिद जो है, जो डिमोलिश हुआ था, वहां से ये कॉन्ट्रोवर्सी स्टार्ट नहीं हुई, इसकी स्टोरी बहुत पुरानी है ना, और हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो ये पूरा यहाँ पर मैप है जो अभी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, बहुत ही अच्छे से आप लोग एक एक पॉइंट को सुनिएगा, समझिएगा, जिससे कि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए कि एक्चुअली ये कॉन्ट्रोवर्सी है क्या, ठीक है। स्टार्ट करेंगे, देखिए आपको पता है अयोध्या ये श्री राम की क्या है, जन्मभूमि है ना, भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, सरयू नदी के किनारे है। अगर हम अयोध्या की बात करें तो पहले ये आपका फैजाबाद के नाम से जाना जाता था, ठीक है, जिसको अब हम अयोध्या के नाम से जानते हैं। हम बात करते हैं हिस्ट्री की, सबसे पहले हम चलते हैं 14th सेंचुरी में, यही से एक्चुअली ये स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अगर हम 14th सेंचुरी की बात करें तो आपको पता है कौन सी डायनेस्टी होती थी उस टाइम पर, मुगल डायनेस्टी, ठीक है। मुगल डायनेस्टी ये 14th सेंचुरी में होती थी, एंड दैट टाइम बाबर का नाम आप सबको पता है, अपनी हिस्ट्री में आपने पढ़ा है कि जो बाबर थे ये क्या करते थे, ये मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद का निर्माण करवाते थे 1528, है ना। 1528 में इन्होंने क्या किया, ये जो अयोध्या में राम मंदिर था इसको इन्होंने, मतलब यहाँ पर जो मंदिर था उसको तोड़वाकर उन्होंने क्या कर दिया था, मस्जिद बनवा दिया था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाबरी मस्जिद, जिसको हम लोग बाबरी मस्जिद के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो 1528 में इन्होंने क्या किया था, मंदिर को तोड़वाकर यहाँ पर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। और ये बाबरनामा में मेंशन भी किया गया है, बाबरनामा में क्लियरली मेंशन किया गया है कि 1528 में मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया था। सो अ मॉस्क इज बिल्ट ऑन द साइट बाय मुगल एम्परर बाबर विच
हिंदूज क्लेम टू बी द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड राम एंड वेयर अ टेम्पल अर्लियर एग्जिस्टेड। 1528 में ये जो बाबरी मस्जिद बनी थी, ये मंदिर को तोड़ के बनी थी, बाबरनामा में ये मेंशन भी किया गया है। तो हिंदुओं ने क्लेम किया था कि वहां पर भगवान राम का बर्थ प्लेस है, वहां पर मंदिर हुआ करता था, जिसको तोड़कर बाबर ने क्या किया था, मस्जिद बनवा दिया था। ठीक है, इसके बाद अकबर का दौर आया। ठीक है, अकबर आपको पता है ये हिंदू और मुस्लिम दोनों के फेवर में होते थे। तो इन्होंने कहा था कि मस्जिद के बाहर, एक्चुअली मस्जिद के बाहर एक एरिया है जहां पर ये बोला जाता था कि भगवान राम का जन्म हुआ था। तो इन्होंने परमिशन दे दी थी हिंदू और मुस्लिम दोनों लोगों को। ठीक है, तो इन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों लोगों को ये परमिशन दे दी कि जो मस्जिद है, ठीक है, मस्जिद में मुस्लिम लोग अपना जो भी ये प्रेयर करते हैं वो करेंगे, और मस्जिद के बाहर का जो एरिया है, जो भगवान राम का बर्थ प्लेस क्लेम किया जाता है, वहां पर हिंदू लोग अपनी पूजा अर्चना, उनको जो भी करना है वो वहां पर पूजा करेंगे। तो अकबर ने क्या किया था, इन्होंने परमिशन दे दिया था हिंदू को कि मस्जिद के बाहर का जो एरिया है वहां पर आप पूजा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आया 1660। 1660 में किसका दौर आया, औरंगजेब का। 1660 में औरंगजेब, इन्होंने क्या किया, बाबरी मस्जिद को फिर से रीडेवलप किया। ठीक है, इन्होंने बाबरी मस्जिद को क्या किया, फिर से रीडेवलप किया। एंड देन 1853 से 1949 का दौर आया, जो किसका था, 1853 में किसने एंटर किया, ब्रिटिशर्स ने। ठीक है, 1853 में ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एंटर किया, और फिर वहीं से स्टार्ट हुआ बाबरी मस्जिद वर्सेस राम मंदिर। ठीक है, तो 1853 में जब ब्रिटिशर्स से एंटर किए तो यहीं से स्टार्ट हुआ बाबरी मस्जिद वर्सेस राम मंदिर 1854। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, चलिए 1854 की अगर हम बात करें तो ब्रिटिशर्स ने ये परमिशन दी कि जो मस्जिद है और जो टेम्पल है, ठीक है, उसको हम अलग अलग डिवाइड कर देंगे। मतलब मंदिर में जो हिंदू लोग हैं वो पूजा करेंगे, उनको जो भी वर्शिप करनी है, पूजा करनी है वो करेंगे, और मस्जिद में मुस्लिम लोग जाएंगे। तो इन्होंने कहा कि मंदिर और मस्जिद उसको हम अलग अलग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 1855 में ये डिमांड किया गया कि यहाँ पर राम मंदिर होना चाहिए और मस्जिद को हटाना चाहिए, क्योंकि मंदिर को तोड़कर यहाँ पर मस्जिद बनाया गया है। तो 1855 में एक बार फिर डिमांड किया गया कि राम मंदिर होना चाहिए और ये जो मॉस्क है, जो मस्जिद है, इसको यहाँ से हटाना चाहिए। ठीक है, और उस टाइम पर यहाँ पर एक महंत जी थे जिनका नाम है रघुबर दास जी। तो एक महंत है रघुबर दास जी, उन्होंने फैजाबाद कोर्ट, ठीक है, फैजाबाद कोर्ट में इन्होंने ये अपील की, ये डिमांड किया कि यहाँ पर राम मंदिर होना चाहिए और जो मस्जिद है उसको हटाना चाहिए। ठीक है, इन्होंने ये डिमांड की थी। इसके बाद 1944 में ये जो मस्जिद वाला एरिया था, है ना, ये वक्फ बोर्ड को दे दिया गया। अगर हम इसकी बात करें तो ये वक्फ बोर्ड को दे दिया गया, मतलब ये पूरी तरीके से सुन्नी ने इसको अपना क्या कर दिया, प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया। तो 1944 में ये किसको मिल गया, क्या बोलते हैं, वक्फ बोर्ड को मिल गया। इसके बाद 1947, ठीक है, 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। उसके बाद 1949 23 दिसंबर 1949 में एक इंसिडेंट हुआ। ठीक है, वो इंसिडेंट ये था कि भगवान राम की जो मूर्ति थी, भगवान राम की जो मूर्ति थी वो मस्जिद के अंदर पाई गई। ये कैसे हुआ, किसने किया नहीं पता, बट 23 दिसंबर 1949 में भगवान राम की जो मूर्ति है वो मस्जिद के अंदर पाई गई। तो इसके बाद उस टाइम पर जवाहरलाल नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने क्या किया, उस एरिया में लॉक लगवा दिया। मतलब वहां पर इन्होंने पूरे एरिया को इन्होंने वहां पर लॉक लगवा दिया, ताला लगवा दिया। इसके बाद 1959 में, चीजों को बहुत ही रिलेट करते हुए चलिएगा, यहाँ पर बहुत सारे आपको पॉलिटिकल इश्यूज भी देखने को मिलेंगे और बहुत सारी चीजें हैं। बहुत सारे संघर्ष के बाद फाइनली जाके ये राम मंदिर का निर्माण हुआ है। बहुत से लोगों को लग रहा होगा ना कि आखिर ऐसा क्या है जो इस तरीके से इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, पूरे भारत में दीपावली मनाई जा रही है, तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे, है ना। एक एक पॉइंट को अगर आप समझेंगे तो आप बहुत इजिली रिलेट कर पाएंगे। देखिए, यहाँ पर जब बाबरी मस्जिद बनी, एक्चुअली विवाद वहीं से स्टार्ट हो गया था कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद वहां पर बनाया गया। अब धीरे धीरे इसकी डिमांड बढ़ती गई, बहुत सारे स्ट्रगल के बाद फाइनली ये हुआ था। 1947 में देश आजाद हुआ, 1949 में भगवान राम की मूर्ति मस्जिद के अंदर पाई गई, फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने वहां पर उस एरिया में लॉक लगवा दिया कि यहाँ पर अब कोई नहीं जाएगा, कोई पूजा वगैरह नहीं करेगा 1959 में, है ना। इसके बाद आया 1959 में जो निर्मोही अखाड़ा है ना, इन्होंने डिमांड किया, निर्मोही अखाड़ा लोगों ने डिमांड किया कि ये जो लॉक है इसको फिर से ओपन करना चाहिए, है ना। तो जो निर्मोही अखाड़ा है 1959 में, इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिमांड किया कि यहाँ पर जो लॉक है इसको ओपन करना चाहिए। अब ये सारी चीजें चल रही थी। इसके बाद आया 1980,
ठीक है, 1980 की अगर हम बात करें तो एक नई पार्टी बनी जो है बीजेपी पार्टी। ठीक है, तो 1980 में एक नई पार्टी बनी जिसका नाम है बीजेपी पार्टी, और इसके अध्यक्ष थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये डिमांड किया कि यहाँ पर मंदिर बनना चाहिए, है ना। इसके बाद आया 1986। एक्चुअली यहाँ पर मैं नया पेज ओपन कर लेती हूँ, पेज, हाँ। इसके बाद 1980 में बीजेपी पार्टी बनी और इसके अध्यक्ष थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। उन्होंने कहा कि यहाँ पर मंदिर बनना चाहिए और मस्जिद हटना चाहिए, लॉक ये ओपन होना चाहिए। ठीक है, 1986, 1986 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लॉक को फिर से रीओपन किया गया। ठीक है, तो ये जो लॉक था इसको रीओपन कर दिया गया और हिंदू लोगों को ये परमिशन मिल गई कि वो वहां पर जाकर फिर से क्या कर सकते हैं, वर्शिप कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। आपको पता है राजीव गांधी जी का टाइम उस टाइम पर आ चुका था, तो 1986 में लॉक को फिर से क्या कर दिया गया, रीओपन कर दिया गया। उसके बाद 1989 आया। ठीक है, 1989 में राजीव गांधी जी के टाइम पर, ठीक है, राजीव गांधी जी के टाइम पर यहाँ पर पहली बार फाउंडेशन रखा गया कि राम टेम्पल होना चाहिए, यानी कि राम मंदिर यहाँ पर होना चाहिए। 1989 के बाद आया 1990। ठीक है, 1990 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर राम रथ यात्रा निकाली गई। ठीक है, राम रथ यात्रा कहाँ के लिए थी, ये अयोध्या के लिए थी। अब यहाँ पर ये जो राम रथ यात्रा थी ये एक तरीके की कार रैली थी। अब क्योंकि ये रैली इसीलिए निकाली गई थी, ये रथ यात्रा इसलिए थी कि यहाँ पर मंदिर बनाना चाहिए, तो बहुत सारे दंगे भी यहाँ पर हुए थे, है ना, बहुत सारे दंगे भी हुए थे। उस टाइम पर यूपी के जो चीफ मिनिस्टर थे वो मुलायम सिंह यादव जी थे। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे दंगे वगैरह भी देखने को मिले। इसके बाद आया 18 अक्टूबर। ठीक है, 18, तो ये जो राम रथ यात्रा थी इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, लाल कृष्ण आडवाणी जी के द्वारा की गई थी। तो ये भी याद रखिएगा कि लाल कृष्ण आडवाणी जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, इस राम रथ यात्रा की, जो कि एक तरीके का कार रैली था। इसके बाद 18 अक्टूबर की अगर हम बात करें तो लाल कृष्ण आडवाणी जी, है ना, ये कहाँ पर पहुंचे, ये बिहार पहुंचे। जब ये बिहार पहुंचे तो इस रैली को रोक दिया गया। ठीक है, बहुत सारे दंगे हुए और इस रैली को क्या कर दिया गया, रोक दिया गया, क्योंकि यहां से फिर स्टार्ट हो गया था कार रैली वर्सेस पुलिस। ठीक है, तो ये जो कार रैली वर्सेस पुलिस है, यूपी पुलिस एक्चुअली, ये स्टार्ट हो गया था और इस दौरान बहुत सारे फायरिंग वगैरह भी हुई थी, बहुत सारे लोगों की जान भी गई थी, है ना। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, ये जो कार रैली थी इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमें जाना है वहां पर और जो हमारा झंडा है उसको वहां पर लगाना है, क्योंकि राम मंदिर वहां पर बनना चाहिए। तो ये जब फायरिंग वगैरह हो रही थी, है ना, इस दौरान यूपी में अयोध्या में वहां पर मस्जिद के ऊपर झंडा लगा दिया गया था कि राम मंदिर यहीं पर बनेगा। इसके बाद 2 नवंबर, 18 अक्टूबर को कार रैली रोक दी गई थी। इसके बाद बहुत सारे दंगे वगैरह हुए, विवाद हुए, एंड देन नवंबर मंथ में 2 नवंबर को कोठारी ब्रदर्स, आप लोगों ने सुना होगा, इनकी डेथ हो गई, है ना, इस दंगे में कोठारी ब्रदर्स की डेथ हो गई। तो यहां से ये सारी चीजें और भी क्या हो रही थी, बढ़ती जा रही थी, मतलब दंगे बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे थे। इसके बाद यूपी में इलेक्शन हुआ और ये जो मतलब सरकार थी इसको, इनको वोट नहीं मिला, ऑब्वियस सी बात है, अगर दंगे वगैरह करा रहे हैं ना तो पब्लिक इनको वोट तो देगी नहीं। यहाँ पर पुलिस से फायरिंग वगैरह की परमिशन मिल गई थी, तो यहाँ पर क्या हुआ था कि ये जो सरकार है ये वोट हार गई और यहाँ पर नए चीफ मिनिस्टर बने, और इनका नाम क्या है, कल्याण सिंह जी। ठीक है, तो यूपी के नए चीफ मिनिस्टर बने और इनका नाम क्या है, कल्याण सिंह जी। इन्होंने फिर से जो कार रैली थी इसको क्या कर दिया, एक्टिव करा दिया, मतलब ये कार रैली एक बार फिर से स्टार्ट हुई। और कार रैली जब स्टार्ट हुई उसके बाद वहां पर मेन उनका ऑब्जेक्टिव वही था कि जाकर हमें वहां पर क्या करना है, मंदिर बनने का डिमांड करना है और वहां पर अपना जो हमारा राम मंदिर का जो झंडा है उसको वहां पर लहराना है। तो ये सारी चीजें हुई इस दौरान 6 दिसंबर 1992। ठीक है, 6 दिसंबर 1992 में क्या किया गया, जो बाबरी मस्जिद थी इसको डिमोलिश कर दिया गया। ठीक है, 6 दिसंबर 1992 में जो बाबरी मस्जिद है इसको डिमोलिश कर दिया गया और वहां पर जो झंडा था उसको लहराया गया कि यहाँ पर राम मंदिर बनेगा। अब अगर बाबरी मस्जिद तोड़ दी गई तो यहां से एक बार फिर से क्या हुआ, विवाद शुरू हुआ और यहाँ पर बहुत सारे दंगे अगेन फिर से स्टार्ट किए गए। आफ्टर दैट, ओके, सो इसके बाद यहां पर जस्ट वेट,
इसके बाद 2000 मतलब आपने देखा होगा इसके बाद बहुत सारे दंगे स्टार्ट हुए, जैसा कि मैंने आपको बताया मुंबई में बैक टू बैक सीरियल ब्लास्ट वगैरह हुए, 2002 में ट्रेन को जला दिया गया था, है ना। तो बहुत सारे दंगे बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। अब 2002 में यहाँ पर ट्रेन वगैरह जब जलाया गया, है ना, तो इस पर कोई ना कोई फैसला तो आना ही था। तो अलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन सुनाया। अलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि वो जो पूरा एरिया है उसमें से 1/3 एरिया हम किसको देंगे, हिंदू को देंगे, और 1/3 एरिया हम मस्जिद के लिए देंगे जो मॉस्क है, और बाकी जो 1/3 एरिया है वो हम किसको देंगे, निर्मोही अखाड़ा को, ठीक है। तो ये फैसला अलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनाया था 2002 में। उसके बाद 2019 में, है ना, 2019 में, सॉरी 2010 में, नॉट 19, 2010 में अलाहाबाद कोर्ट ने, जो अलाहाबाद हाई कोर्ट है, इन्होंने कहा, इसमें थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया, चेंज ये किया कि इन्होंने कहा 2/3 जो एरिया है वो हम हिंदू को देंगे और जो 1/3 एरिया है वो हम किसको देंगे, जो वक्फ बोर्ड है। अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि वक्फ बोर्ड ने मतलब सुन्नी लोगों ने उसको अपना प्रॉपर्टी पूरा डिक्लेयर कर लिया था, तो यहाँ पर जरूरी था कि इनकी भी परमिशन मिलनी चाहिए क्योंकि वो एरिया इनके कब्जे में आ चुका था, ठीक है। 2011 में, 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने अलाहाबाद हाई कोर्ट के इस वर्डिक्ट पर, इस डिसीजन पर इन्होंने क्या कर दिया, स्टे लगा दिया, ठीक है, इस पर इन्होंने रोक लगा दिया 2019 में, है ना। इसके बाद अब स्टे तो लग गया था बट डिसीजन आना तो बाकी था। 2019 में नवंबर मंथ में 5 जजेस की एक बेंच बनी, ठीक है, 5 जजेस का एक बेंच बना जिसके हेड थे रंजन गोगोई जी, और ये इनका लास्ट डे था क्योंकि इसी दिन इनका रिटायरमेंट भी था। तो रंजन गोगोई जी के अध्यक्षता में जो 5 जजेस का एक बेंच बना था, उन्होंने अपना फाइनल डिसीजन बनाया कि यहाँ पर जो राम मंदिर है ये बनेगा, ठीक है, और इसके बदले में जो मस्जिद के लिए मतलब जो मुस्लिम लोग हैं उनको हम 5 एकड़ का लैंड देंगे बट कहीं और पर, है ना, कहीं और का मतलब जो भी होली प्लेस है जहां पर वो लोग प्रेयर कर सकते हैं, ठीक है, तो उनको कहीं और पर हम 5 एकड़ का एरिया प्रोवाइड करेंगे बट यहाँ पर राम मंदिर बनेगा। तो 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट, रंजन गोगोई जी की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया, तब फाइनली ये डिसाइड हो गया कि यहाँ पर राम मंदिर बनेगा। तो आप देख सकते हैं 2019 में ये फाइनल डिसीजन सुनाया गया, बट स्टार्टिंग हमने कहाँ से की थी, 14th सेंचुरी, 1528 से। 1528 से पूरी एक ही कहानी जो बनती आई है, मतलब जो भी इसका हिस्ट्री रहा है वो हम यहाँ पर पढ़ते हुए आए हैं। और फाइनली 2019 में इसको जाकर क्या हुआ, फैसला मिला कि यहाँ पर राम मंदिर बनेगा। तो ये पूरी हिस्ट्री है कि कैसे राम मंदिर बनने का जो डिसीजन है वो डिसाइड किया गया, और आखिर ये 500 साल का जो संघर्ष है वो क्या है। 1528 से हमने स्टार्ट किया था कि मुगल एम्परर ने मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनवाया था। फिर 1853 में ब्रिटिशर्स की यहाँ पर एंट्री हुई थी और उन्होंने कहा था कि आउटर कोर्ट हिंदूज के लिए होगा, इनर कोर्ट क्या होगा वो मुस्लिम्स के लिए होगा, ठीक है। 1949 में आइडल ऑफ द लॉर्ड राम सर्विस इनसाइड मॉस्क, अभी मैंने आपको बताया था 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, 1949 में कैसे हुआ था मतलब किसने किया था नहीं पता, बट भगवान राम की जो मूर्ति है वो कहाँ पर पाई गई थी, मस्जिद के अंदर पाई गई थी। इसके बाद 1950 में, है ना, 1950 में यहाँ पर निर्मोही अखाड़ा, है ना, निर्मोही अखाड़ा ने कहा कि जो लॉक है उसको क्या करना चाहिए, उसको फिर से ओपन करना चाहिए। सो 1961 में यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड फाइल्स अ सूट डिमांडिंग पोजीशन ऑफ द साइट एंड रिमूवल ऑफ द आइडल्स। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी चल रही थी। 1986 में डिस्ट्रिक्ट जज, सॉरी 1986 में डिस्ट्रिक्ट जज ऑर्डर्स लॉक टू बी रिमूव्ड एंड द साइट ओपन फॉर हिंदू वर्शिपर्स। तो ये भी हमने बताया कि 1986 में, है ना, इसको क्या कर दिया गया था, लॉक को रिमूव कर दिया गया था और उसको फिर से हिंदुओं के वर्शिप के लिए, पूजा के लिए उसको ओपन कर दिया गया था। 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद को डिमोलिश कर दिया गया, मतलब उसको गिरा दिया गया, ठीक है, और उसके बाद हिंदू वर्सेस मुस्लिम स्टार्ट हो गया था। बहुत सारे दंगे वगैरह हुए थे, 2000 से भी ज्यादा लोगों की डेथ हुई थी। 2001 में स्पेशल जज ड्रॉप्स चार्ज अगेंस्ट 13 एक्यूज्ड इंक्लूडिंग LK आडवाणी एंड कल्याण सिंह, रीजन मैंने आपको बताया था, कार रैली स्टार्ट हुई थी, ठीक है। 2002 में अभी आपको मैंने बताया था ट्रेन कैरिंग हिंदू एक्टिविस्ट सेट ऑन फायर, की चलती हुई ट्रेन को क्या कर दिया गया था, जला दिया गया था, ठीक है। तो
तो यहाँ पर ये सारी चीजें चल रही थी। 2010 में अलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि 2/3 एरिया हम अयोध्या साइट को देंगे और 1/3 वक्फ, जो वक्फ बोर्ड है उसको दिया जाएगा। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया था अलाहाबाद हाई कोर्ट के वर्डिक्ट पर। 2017 में ये सारी चीजें मतलब फिर से सेटलमेंट वगैरह हुआ, और 9 नवंबर 2019, है ना, 2019 में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यहाँ पर राम मंदिर बनेगा और जो 5 एकड़ लैंड है वो किसको मिलेगा, मुस्लिम को बनेगा, मिलेगा फॉर बिल्डिंग मॉस्क, जहां पर वो मस्जिद बना सकते हैं, तो उनको अलग से 5 एकड़ एरिया लैंड प्रोवाइड किया जाएगा। 2020 में इसके बाद क्या हुआ, राम टेम्पल का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ और 5 अगस्त 2020 को पीएम मोदी जी के द्वारा राम मंदिर का फाउंडेशन स्टोन रखा गया। तो ये पूरी हिस्ट्री है कि कैसे ये राम मंदिर के बनने की कहानी है, ठीक है। बाकी सारी चीजें आपको पता है, एक बार फिर से हम उसको भी समझ लेते हैं कि जो हमारा राम मंदिर बना है उससे रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिल्डर की, है ना, जो अयोध्या राम मंदिर बना है उसके बिल्डर कौन है, मतलब किसको ये पूरा देख रेख का काम मिला हुआ है, तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुआ, 2019 में। आर्किटेक्ट कौन है, सोनपुरा फैमिली, पता है आप लोगों को, अहमदाबाद में है। टोटल जो एलोकेटेड एरिया है वो 70 एकड़ है। टोटल टेम्पल एरिया ये 2.7 एकड़ है। कॉस्ट ऑफ राम मंदिर मतलब टोटल लागत कितनी है, 18,000 करोड़ रुपीज है। भगवान राम का बर्थ प्लेस है, उनके यहाँ पर मूर्ति है। लोकेशन यूपी के अयोध्या में है। कंस्ट्रक्शन कंपनी कौन है, कंपनी आपसे पूछी जा सकती है, तो लार्जन एंड चर्बो LNT, ये क्या है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो इसको बना रही है। और इनॉग्रेशन इसका कब किया गया, 22nd of January 2024, है ना, 22nd of January 2024 को इसका इनॉग्रेशन किया गया। ओके चलिए, अब कुछ मेन मेन पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बार बता देती हूँ, इसको बहुत अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। जो ओरिजिनल डिजाइन है राम टेम्पल का, है ना, अयोध्या में राम मंदिर का जो ओरिजिनल डिजाइन है, इसको 1988 में सोमपुरा फैमिली जो कि अहमदाबाद में रहती है उनके द्वारा डिजाइन किया गया। और सोमपुरा फैमिली की अगर हम बात करें, है ना, तो इन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स बनाए हुए हैं जिसमें से सोमनाथ टेम्पल भी शामिल है। तो इन्होंने इस मंदिर का डिजाइन बनाया था, ठीक है, क्लियर हो गया। अगर हम इस मंदिर की बात करें कि कौन से स्टाइल में इसको बनाया गया है, कौन से शैली में इसको बनाया गया है, तो आंसर क्या होगा, ट्रेडिशनल नागर शैली। तो नागर स्टाइल में इस मंदिर को क्या किया गया है, बनाया गया है। तो पारंपरिक नागर शैली में निर्मित राम जन्मभूमि मंदिर की जो लंबाई है ना, इसकी जो लेंथ है वो 380 फीट है ईस्ट वेस्ट में, विड्थ इसकी 250 फीट है और इसकी जो हाइट है वो 161 फीट है। तो अगर हम मंदिर की ऊंचाई की बात करें तो 161 फीट है, चौड़ाई की अगर हम बात करें तो 250 फीट है, और अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो 380 फीट है, क्लियर हो गया। चलिए ये सारी चीजें हैं, टोटल एरिया 10 एकड़ टेम्पल है, 57 एकड़ टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, टोटल हाइट 161 फीट है, टोटल कॉलम यहाँ पर 360 है और विड्थ ऑफ द स्टेयर 16 फीट है, ठीक है। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पर। अगर हम बात करें इस टेम्पल की तो 392 पिलर्स और 44 डोर्स हैं, है ना। मंदिर ये आपका 3-स्टोरी मंदिर यानी कि 3 मंजिला इमारत है, और प्रत्येक मंजिल यानी कि सभी फ्लोर आपके 20 फीट टॉल है। तो 3 मंजिला इमारत है ये और सभी मंजिल आपके 20 फीट क्या है, टॉल है, 20 फीट ऊंचे है, ठीक है। मेन जो मुख्य गर्भगृह है जो कि कल हम लोगों ने देखा था जहां पर प्राण प्रतिष्ठा किया गया था, वहां पर भगवान श्री राम का जो बाल रूप है ना, उसको क्या किया गया है, रखा गया है। तो इन द मेन सैंक्टम सैंक्टोरम मुख्य गर्भगृह में भगवान श्री राम का जो बचपन का रूप होगा उसको रखा गया है, और जो फर्स्ट फ्लोर है वहां पर श्री राम दरबार बनेगा। तो ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, मेन गर्भगृह है जिसमें भगवान श्री राम का बचपन का रूप इनॉग्रेट किया गया, और जो पहला फ्लोर होगा, है ना, वहां पर राम दरबार बनेगा। अगर हम इस टेम्पल की बात करें तो यहाँ पर टोटल 5 मंडप है, ठीक है, मंडप का मतलब हॉल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर 5 मंडप है, कौन कौन से, नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। तो पांचों मंडप का नाम आपको याद करना है, नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। तो इस मंदिर में टोटल 5 मंडप यानी कि 5 हॉल्स आपको देखने को मिलेंगे। मंदिर का जो मुख्य प्रवेश द्वार है वो पूर्वी दिशा में है, डायरेक्शन आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ये सिंह द्वार से 32 सीढ़ियां चढ़कर पहुंचा जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंह द्वार बना हुआ है ना, और ये मंदिर का क्या है, मेन एंट्रेंस है। एट दी 4 कॉर्नर्स ऑफ दी कंपाउंड, परिसर के चारों कोनों पर 4 मंदिर हैं। कौन कौन से, एक तो जो सूर्य देव हैं उनको डेडिकेटेड है, दूसरा देवी भगवती को, तीसरा गणेश भगवान जी और चौथा भगवान शिव को। तो यहाँ पर मंदिर के चारों कोने पर, है ना, मंदिर के चारों कोनों पर 4 मंदिर होंगे जो 4 भगवान को डेडिकेटेड है, सूर्य देव, देवी भगवती, गणेश भगवान और भगवान शिव इनको समर्पित है।
अगर हम उत्तर भुजा में की बात करें तो उत्तर भुजा में माँ अन्नपूर्णा का भी मंदिर है और दक्षिण भुजा में हनुमान जी का मंदिर हमें देखने को मिलेगा। तो ये सारे मंदिर भी यहाँ पर बनाए गए हैं वहीं पर। अगर हम टेम्पल के फाउंडेशन की बात करें है ना, तो मंदिर की जो नींव है ये पर्याप्त संख्या में जो कॉलम्स है मतलब जो स्तंभ है उस पर क्या है ये समर्थित है ना। ग्राउंड फ्लोर फीचर्स 160 कॉलम। अगर हम ग्राउंड फ्लोर की बात करें, भूतल की बात करें, तो वहां पर टोटल आपको 160 कॉलम यानी कि 160 स्तंभ देखने को मिलेंगे। वाइल द फर्स्ट फ्लोर इज सपोर्टेड बाई 132 कॉलम। और जो पहली मंजिल है वहां पर आपको 132 कॉलम देखने को मिलेगा। सेकेंड फ्लोर की अगर हम बात करें तो वहां पर 74 कॉलम है और इस तरीके से ये बनाया जाएगा। तो ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, ये एग्जाम में नहीं आएगा। मेन मेन पॉइंट जो थे वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब अगर हम परकोटा की बात करें है ना, परकोटा जो रेक्टेंगुलर कंपाउंड हॉल है उसकी जो लेंथ है वो 732 मीटर है और इसकी जो विड्थ है वो 14 फीट है। ठीक है, मेन मंदिर के पास है ना, जो मुख्य मंदिर है उसके पास ही एक हिस्टोरिक वेल यानी कि ऐतिहासिक कुआं भी है जिसको हम सीता कूप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो मेन मंदिर के पास एक ऐतिहासिक कुआं है जो प्राचीन युग का है जिसको हम सीता कूप के नाम से भी जानते हैं। और इसके अलावा जो साउथ वेस्टर्न पार्ट है इस मंदिर का, वहां पर कुबेर टीला और एंशियंट मंदिर मंदिर ऑफ भगवान शिव, इसको भी क्या किया गया है, जीर्णोद्धार किया गया है, उसको रिस्टोर किया गया है अलोंग विद द इंस्टॉलेशन ऑफ द जटायु। ठीक है, तो यहाँ पर परिसर के दक्षिण पश्चिमी भाग में कुबेर टीला में जटायु की स्थापना के साथ साथ भगवान शिव के प्राचीन मंदिर को भी क्या किया गया है, रिस्टोर किया गया है। ठीक है, एंड इस मंदिर को स्टील और आयरन को बिना यूज किए गए, सिर्फ पत्थर का यूज करके इसको बनाया गया है। एंड बाकी सारी चीजें वही है। हाँ, अगर हम इसकी बात करें तो बहुत सारे पवित्र स्थलों से मिट्टी को कलेक्ट किया गया था, बहुत सारी पवित्र नदियों से जल को लाया गया था, देन जाकर इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था, इसकी नींव रखी गई थी। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो मंदिर बना हुआ है ना, अगर हम इस मंदिर की बात करें तो इसमें बहुत ही मतलब स्पेशल ईंट जो होती है, ब्रिक्स जो होते हैं ना, स्पेशल ब्रिक्स को यूज किया गया है जिसको रामशिला के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इन सभी पर श्री राम जी का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, सो द कंस्ट्रक्शन इनकॉर्पोरेट्स स्पेशल ब्रिक्स नोन एज रामशिला विद द इंस्क्रिप्शन ऑफ द श्री राम ऑन देम। तो जो भी ब्रिक्स यूज किए गए हैं उस पर भगवान श्री राम का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, एंड बाकी जो भी महर्षि वाल्मीकि जी, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, ये जो भी मतलब ऋषि मुनि जो लोग थे उनको भी समर्पित मंदिर यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को याद करना है। एस्टिमेटेड कॉस्ट वगैरह मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बता दिया था। तो जो मेन मेन पॉइंट है वो यहाँ पर शॉर्ट में लिखा हुआ है, टोटल एरिया 2.7 एकड़, टोटल बिल्ट अप एरिया 57,400 स्क्वायर फीट, टोटल लेंथ ऑफ द टेम्पल 360 फीट, टोटल विड्थ ऑफ द टेम्पल 235 फीट, टोटल हाइट ऑफ द टेम्पल 161 फीट, टोटल फ्लोर 3 है, हाइट ऑफ ईच फ्लोर 20 फीट है, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ग्राउंड फ्लोर 160, फर्स्ट फ्लोर 132, सेकेंड फ्लोर 72, नंबर ऑफ पेविलियंस 5 है एंड नंबर ऑफ गेट्स इन टेम्पल 12 है। ठीक है, तो ये आपका एक समरी है इस टेम्पल का। तो आई होप सो कि सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। और मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था, ये सारी चीजें तो हम न्यूज में देखते आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें आपको पहले से ही पता होंगी, बट जो मेन इसकी हिस्ट्री थी है ना कि कहाँ से ये स्टार्ट हुआ था, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, आई होप सो कि वो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो सेशन अगर आपको अच्छा लगा, चीजें समझ में आई, तो सेशन को और लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा। बाकी ऐसी और भी क्लासेस की अपडेट के लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज प्रिया मैम टेस्ट बुक। तो यहाँ पर आपको सभी क्लासेस की अपडेट, क्लास के लिए सारी चीजें मिल जाती हैं। और अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम आपके लिए फिर कोई अच्छा सा टॉपिक लेकर आएंगे जिसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, अदरवाइज डेली जो हमारी क्लासेस होती हैं उसमें तो मिलेंगे ही। टिल देन बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।